नमस्कार एवरीवन। चलिए स्टूडेंट्स, आज फिर हम हाजिर हैं अपने PSS फिजिक्स हैशटैग मैकेनिकल जो यूट्यूब चैनल है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो H&P है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक फ्लूड मशीन्स या मैकेनिक्स भी बोलते हैं इसको। सेकंड ईयर डिप्लोमा में सब्जेक्ट आता है, डिग्री में भी आता है, उसमें भी सेम सारी चीज़ें होती हैं। यूनिट है हमारी फ्लो थ्रू द पाइप्स। अब इसके अंदर जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है, फ्लो थ्रू द पाइप जो यूनिट है, इसकी थर्ड वीडियो है ये। इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो नोजल होगा, एंड सेकंड टॉपिक होगा दैट इज़ वाटर हैमर। और उसी सीरीज में जो हम पेजेस पे जो ये वर्क कर रहे हैं उसमें ये पेज नंबर आ जाता है 8। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज नोजल। बेसिकली नोजल होती क्या है, इसका मेन यूज़ क्या होता है, पहले ये स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके अंदर तीन चार टॉपिक हैं उनको स्टडी करेंगे, टोटल चार हैं, एंड देन वाटर हैमर पे आएंगे। बेसिकली जो नोजल है वो होती क्या है, ये एक टेपर्ड टेपरिंग माउथ पीस होती है, मीन्स एक टेपर्ड फोम का पोर्शन होता है जो एंड ऑफ द पाइप जो होता है ना, एंड ऑफ पाइप के ऊपर क्या होती है, ये कनेक्टेड होती है। और जो नोजल होती है वो बेसिकली करती क्या है, वो प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, वेलोसिटी हेड या फिर यू कैन से काइनेटिक एनर्जी। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्टूडेंट्स। हाँ, नोजल जो होती है बेसिकली टेपरिंग माउथ पीस होती है, ये कहाँ पे कनेक्ट होती है, एंड ऑफ द पाइप पे कनेक्ट की जाती है। और ये करती क्या है, ये प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब जो प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी। मींस इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है किसकी, एक्सपेंसेस पे, वो प्रेशर की। तो जब भी नोजल से कोई फ्लो जो फ्लूड है वो आउटलेट पे अगर आप वहां पे देखोगे तो उस फ्लूड के पास वेलोसिटी तो जो होगी उसकी मैक्सिमम होगी और प्रेशर एनर्जी जो हो जाती है वो वहाँ पे कम हो जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, नोजल होती है जो प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करती है कहाँ पर, किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और जो नोजल है वो यूज़ की जाती है बेसिकली वेयर, नोजल यूज्ड वेयर, We need high velocity at outlet of the pipe means नोजल कहाँ यूज की जाती है, उस पॉइंट पे जहाँ हमें हाई वेलोसिटी चाहिए होती है। ये ध्यान रखें क्योंकि जो नोजल के अपोजिट दूसरी टर्म होती है वो डिफ्यूजर होता है। डिफ्यूजर का जो काम होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी में। वो डिफरेंट होता है नोजल से, बिल्कुल रिवर्स होता है। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोजल पढ़नी है। नोजल बेसिकली हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि नोजल जो होती है वो प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। नोजल कहाँ यूज की जाती है, जहाँ पे हमें हाई वेलोसिटी चाहिए होती है, आउटलेट के ऊपर। अब इसके अंदर हमें टोटल जो है चार टॉपिक इसके अंदर स्टडी करने हैं नोजल के अंदर। जो फर्स्ट टॉपिक है वन बाय वन चलेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्लो थ्रू द नोजल। क्या है स्टूडेंट्स, फ्लो थ्रू नोजल। क्या टॉपिक है, फ्लो थ्रू नोजल। इसमें हम क्या करेंगे, जो पाइप के अंदर जो एक नोजल अटैच करेंगे एंड देन उससे इसका फ्लो निकालेंगे। अब जो फ्लो इसका निकलेगा वो किस तरीके से, किस फॉर्म में निकलेगा, वो निकलेगा वेलोसिटी की फॉर्म में। तो इसके अंदर हम अभी एक डायग्राम बनाएंगे और जो डायग्राम अभी हम यहाँ बनाएंगे वही डायग्राम इसके जो रिमेनिंग तीनों टॉपिक हैं वहाँ पर भी काम आएगा। अब जो डायग्राम है वो बिल्कुल सिंपल है। वो क्या है कि आपने एक कंटेनर लिया, काफ़ी बड़ा कंटेनर है,
उसके अंदर आपने क्या फिल कर रखा है स्टूडेंट्स, लिक्विड, और उसके साथ आपने एक एग्जिट पाइप अटैच कर रखा है। ठीक है, ये एग्जिट पाइप है, इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, लिक्विड। अब हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो क्या कि इसके सेंटर पॉइंट पे जो हेड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पे एक प्रेशर हेड होगा, प्रेशर हेड जिसको हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एच। तो एच यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे जो पाइप हमें जा रहा है उसके हमें सेंटर पॉइंट पे मेजर करते हैं और वो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर है। तो प्रेशर हेड को हमने कितना मान लिया, एच, कहाँ पे, इनलेट के ऊपर। अब ये पाइप जो है वो काफ़ी बड़ा पाइप है, ये लॉन्ग ब्रेक का सिंबल होता है, आपने ईजी के अंदर पढ़ा होगा। अब इसके अंदर से लिक्विड फ्लो होता हुआ जाएगा बाहर। अब मैंने क्या किया, इसके एंड पॉइंट पे एक नोजल को अटैच कर दिया, क्या अटैच कर दिया स्टूडेंट्स, नोजल। अब नोजल क्या करेगी, उसका जो कन्वर्जिंग पोर्शन होता है, मैंने अभी भी बताया था आपको, इस तरीके से कन्वर्जिंग पोर्शन होगा, ये हमारे पास क्या है, नोजल। अब इससे क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है वो इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, नोजल, नोजल, ये क्या है, पाइप, ये क्या है, कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड को हमें रखा है। अब मुझे यहां से क्या करना है, इस नोजल से जो बाहर फ्लूड आ रहा है उसकी वेलोसिटी है स्मॉल वी, और इस पाइप के अंदर जो फ्लूड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी है कैपिटल वी। इस पाइप का जो डायामीटर है वो है कैपिटल डी, और इस नोजल का जो आउटलेट के ऊपर जो डायामीटर है दैट इज स्मॉल डी, सेम इसका एरिया स्मॉल ए, यहाँ पे इस पाइप का जो एरिया होगा दैट इज कैपिटल ए, और इस पाइप की जो लेंथ होगी वो लेंथ है एल। कितनी लेंथ है स्टूडेंट्स, एल, एल उसकी लेंथ है। ठीक है, अब ये सारा डाटा इसके अंदर गिवन है, यहाँ पे हेड दे रखा है, ये दे रखा है, उसके अलावा जो ये पाइप है यहाँ पे जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वो क्या है, एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हल्का सा एक लॉजिक लगाएंगे और उस लॉजिक को आगे लेते हुए चलेंगे, और देन उसके बाद हम यहाँ पे टोटल हमारा जो फाइनली वेलोसिटी है वो निकालेंगे। कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे, स्मॉल वी, कौन सी निकालेंगे स्टूडेंट्स, स्मॉल वी, जो नोजल से आउटलेट हो रहा है, क्योंकि हमें फ्लो थ्रू द नोजल ये हमारा टॉपिक है, इसको हमें स्टडी करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें एज इट इज यूज होंगी आगे तीनों डेरिवेशंस में भी। अब सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो पाइप है इसके अंदर लॉसेस देखते हैं, लॉसेस कौन सा होगा इसके अंदर, कोई बैंड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लॉन्ग लेंथ है, तो उसकी वजह से कौन सा लॉस होगा, लॉस होगा मेजर एनर्जी लॉस, और वो क्या होता है, एच एफ। क्या होता है स्टूडेंट्स, एच एफ, एच एफ क्या होता है, हेयर लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर एफ एल वी, ये कैपिटल वी है, वी स्क्वेयर बाय टू जी डी, ये ध्यान रखें ये कैपिटल वी है, कैपिटल वी मीन्स इस पाइप के अंदर जो वेलोसिटी है वो, डिवाइडेड बाय टू जी डी, डी इसी पाइप का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर माइनर लॉसेज भी होंगे। अब माइनर लॉसेज यहाँ पे मैंने बताया ये पाइप कैसा है, ये लॉन्ग ब्रेक का सिंबल होता है, पाइप कैसा है, लॉन्ग, लॉन्ग पाइप है, तो यहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट पे जो माइनर एनर्जी लॉस होगा उसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अब नेग्लेक्ट कर लिया तो टोटल लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे इतना, इट मीन्स हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लो, जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एनर्जी कहाँ होगी, आउटलेट के ऊपर। तो अब वही हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, वो लॉजिक क्या कहता है, देखो यहाँ पे कितना हेड था, कैपिटल एच इज इक्वल टू, यहाँ से जब मैं यहाँ गया इसके एंड पॉइंट पे तो यहाँ पे कितना हेड मिला मुझे, यहाँ पे कितना हेड मिला स्टूडेंट्स, वी स्क्वेयर बाय टू जी, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ जो हेड था वो किस में कन्वर्ट होगा, वेलोसिटी में, वी स्क्वेयर बाय टू जी, प्लस इसके बीच में जो हेड लॉस हुआ है वो भी तो इसके अंदर एड होगा, वो कितना है, एच एफ, वो कितना है, एच एफ। ये इक्वेशन जो है वो अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल सिंपल है, यहां पे हमारे पास हेड कितना है, एच, उसके बाद यहां से यहां तक जो लॉस हुआ है वो एच एफ हुआ है, और यहां पे हमारे पास जो हेड बचा है वो क्या है, वी स्क्वेयर बाय टू जी। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या है, एच एफ, एच एफ हमें पता है क्या होता है, पुट कर दो वैल्यू, वी स्क्वेयर बाय टू जी
प्लस 4 एफ एल वी स्क्वेयर बाय 2 जी डी। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये स्मॉल वी है, ये कैपिटल वी है, ये कैपिटल वी है। अब मुझे इस कैपिटल वी को स्मॉल में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा दूंगा। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। मुझे क्या चाहिए, V, कैपिटल V, ठीक है, तो कैपिटल V ही रखते हैं इसको, 1 और 2 हटा देते हैं यहाँ से, दैट इज A इंटू स्मॉल V डिवाइडेड बाय कैपिटल A। मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई V की। इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब h की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय 2g, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, प्लस 4fl बाय 2gd, और v स्क्वेयर था तो av बाय a, ये स्मॉल है, इसका कंप्लीट का स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से ये v स्क्वेयर है बाय 2g है, ये वी स्क्वेयर बाय 2g है, दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया, वी स्क्वेयर बाय 2g। अंदर क्या बचा मेरे पास, यहाँ तो 1 बच गया, प्लस 1 प्लस 4fl a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी इंटू ए स्क्वेयर, कैपिटल ए स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू एच की आई है, किसकी आई है, हेड की। लेकिन मैंने तो आपको बोला था कि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, जो वेलोसिटी एग्जिट पे थी नोजल के बाद थी। तो सिंपल यहाँ से वी को इस साइड ले आओ, बाकी सारा दूसरी साइड ले जाओ, तो मेरा यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4fl a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय d इंटू a स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब यहां से इस v स्क्वेयर को मैं हटाऊंगा तो ये v स्क्वेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर द रूट में, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो फाइनल एक रिजल्ट निकल के आया, नीचे कर देता हूं, इस पेज पे इसको कंप्लीट कर देते हैं, वो क्या निकल गया है, स्मॉल v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh बाय 1 प्लस 4fl a स्क्वेयर बाय d इंटू कैपिटल a स्क्वेयर। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी निकल के आई है। अब इसके अंदर एक देख जो पॉइंट नोट करने का है वो क्या, एक तो इसको यहाँ से हटा लें, तो मैंने नेक्स्ट लाइन में कर ही दिया है तो एज इट इज चले गए। देखो अब यहाँ क्या है, जो वेलोसिटी है कहाँ पे, एग्जिट ऑफ द नोजल पे, वो देखेंगे 2 times of g, जी हमें पता है 9.8 होता है, एच जो वेशल होगा उसकी जो हाइट होगी पाइप के सेंटर से वो हमें इजीली पता होगी, 1 plus 4f, f हमें एग्जामिनर देगा, एल लेंथ ऑफ द पाइप वो भी हमें गिवन होगी, ए एरिया एट आउटलेट ऑफ द नोजल, ठीक है वो भी हमें पता लग जाएगा, डी डायमीटर ऑफ द पाइप, ए एरिया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इजीली हमें पता होंगी और उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं नोजल के एंड के ऊपर। ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, ये पेज नंबर 8 था, अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 9 पे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द नोजल, इसको एक बार समझ लें। सेकेंड टॉपिक जो है पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल, इसमें क्या है, सारी चीजें वही रहेंगी, वही डायग्राम रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, कहां पे, एट आउटलेट, किसके, नोजल, नोजल के आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमें सबको पता है हाफ एम वी और वो भी स्मॉल उसका स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड एट द आउटलेट ऑफ
नोजल पर सेकेंड, दैट्स द मेन पॉइंट, पर सेकेंड और यू कैन से पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हमने ले लिया, दैट इज स्टूडेंट्स रो इंटू ए इंटू वी। नोजल की बात करें स्मॉल वी आएगा। अब देखो यहाँ पे चीज समझने वाली है, कोई क्रैम करने वाली नहीं है। रो क्या होती है, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास, मास ही होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, मास पर यूनिट टाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इस वैल्यू को ऊपर जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। अब जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ क्या था, सिंपल मास था, टाइम कर ले हैं। अब यहाँ क्या है, सिंपल मास, लेकिन ये जो हमने निकाला है ये मास पर यूनिट टाइम है। तो इसका मतलब जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट द आउटलेट ऑफ द नोजल ही है ये, ये क्या हो जाएगा, हाफ एज इट इज रो ए वी स्मॉल वी इंटू वी स्क्वेयर, इट मीन्स हाफ ऑफ रो ए स्मॉल वी का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ रो ए स्मॉल वी का क्यूब। अब ये जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट टाइम, और हमें पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, इट मीन्स पावर एट द आउटलेट ऑफ नोजल, दैट इज पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो ए वी क्यूब। हो गया बच्चे, ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया पावर ट्रांसमिशन थ्रू द नोजल का। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली, उसके अंदर मास पर यूनिट टाइम हमने लिया, एंड देन वो वैल्यूज के अंदर पुट की, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गया। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर, पावर क्या हो गया हमारे पास, हाफ ऑफ रो ए वी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पीछे फॉर्मूला हो गया था, एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोजल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा, हम वही कंसेप्ट जो लास्ट वाले उसमें हमने टॉपिक में लिया था वही लेके चलेंगे। एच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय टू जी प्लस एच एफ। यहाँ हम एच एफ की वैल्यू पुट करेंगे, मैं कंप्लीट बता देता हूँ इसमें क्या करेंगे, एच एफ की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल देंगे, और जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर था इसके अंदर वी स्क्वेयर अलग ले लेंगे, वी अलग ले लेंगे, और वी स्क्वेयर की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एंड देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक बहुत ही सिंपल रिजल्ट पे वहाँ पहुँचेंगे। देखना कितने सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इस रिजल्ट को लेके आते हैं, देखना लास्ट में। अब वही सब करते हैं, सबसे पहले एच एफ की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, दैट इज एच इज इक्वल टू वी, यहाँ कर देते हैं वी स्क्वेयर बाय टू जी प्लस फोर एफ एल, कैपिटल वी है, वी स्क्वेयर बाय टू जी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वी स्क्वेयर बाय टू जी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आ गई, वी स्क्वेयर बाय टू जी विच इज इक्वल टू एच माइनस फोर एफ एल वी स्क्वेयर बाय टू जी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गई। अब इसको जी को उस साइड ले जाता हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो कैपिटल वी है, कैपिटल वी, कंटिन्यूटी इक्वेशन फिर से लगा देता हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, ए इंटू वी पाइप के लिए, ए इंटू स्मॉल वी किसके लिए, नोजल के लिए। यहाँ से मुझे चाहिए क्या, कैपिटल वी, कैपिटल वी क्या हो गया, ए इंटू स्मॉल वी बाय ए। अब दोबारा नहीं करेंगे ये, ध्यान रखना, कैपिटल वी, वेलोसिटी इन द पाइप इज इक्वल टू एरिया ऑफ द नोजल एट द एग्जिट इनटू वेलोसिटी एट द एग्जिट इन द नोजल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पाइप। ये वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, और यहाँ से देखते हैं वी स्क्वेयर की क्या वैल्यू आती है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच माइनस फोर एफ एल, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर और टू जी डी एज इट इज।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, वी स्क्वेयर की। अब देखो अभी अभी हमने जो निकाला था पावर, क्योंकि यहाँ मैं निकालना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ रो इंटू ए इंटू वी क्यू। अब मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँगा एंड देन देखते हैं क्या होता है। पावर इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी इंटू वी स्क्वेयर, ठीक है, ब्रेक कर लिया है। अब मैं यहाँ वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करूँगा, हाफ ऑफ रो ए वी इंटू टू जी वी स्क्वेयर है, ये ध्यान रखना वी स्क्वेयर, ये भी वी स्क्वेयर है, एज इट इज वैल्यू आएगी एच माइनस 4FL बाय 2GD ए स्क्वेयर वी स्मॉल वी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, ये मेरी वैल्यू बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कुछ नहीं किया, ये वाले वैल्यू जस्ट यहाँ पे क्या किया है, मैंने पुट किया है। अब इसके अंदर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, इस वी को मैं अंदर ले जाता हूँ। अब देखिए क्या होता है, पावर इज इक्वल टू रो ए इंटू जी, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, वी को अंदर ले गया, एच इंटू स्मॉल वी माइनस 4FL बाय 2GD इंटू ए स्क्वेयर इंटू वी क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल ए स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो मेन पॉइंट है जो समझने का है, हमारा टॉपिक क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। अब पावर तो हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन होती है, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, अभी तक आपने शायद फेस ना किया, वो क्या होती है, कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास है उसकी अगर मैक्सिमम पावर की कंडीशन आपको निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज़ का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। ठीक है, मीन्स dP बाय dV इज इक्वल टू 0 होगा, देन पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, ट्रांसमिशन क्या होगा, मैक्सिमम। चीज़ें समझ आ रही हैं, पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, मैक्सिमम। मीन्स अब मुझे क्या करना है, इस पी, इस पावर को डिफरेंशिएट करना है वी के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद उसको 0 के इक्वल पुट करना है। मैं वही कर रहा हूँ, अब आपको समझ आया होगा, स्मॉल वी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो कैपिटल वी था उसको चेंज करके स्मॉल वी में क्यों ले गया, और इस वी को अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट आप सबको करना आना चाहिए, dP बाय dV इज इक्वल टू 0 होता है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वल टू 0 पुट करूंगा। देखो रो ए इंटू जी कॉन्स्टेंट है, एच इट इज रहेंगे, एच इंटू वी पावर आगे आ जाएगी 1 इंटू एच, वी की पावर क्या हो जाएगी 0, तो वो 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से एच इंटू वी का डिफरेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, एच, क्योंकि dV बाय dV हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4FL 2GD कॉन्स्टेंट है, इंटू ए स्क्वेयर भी कॉन्स्टेंट है, कैपिटल ए स्क्वेयर भी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या है वी क्यू, पावर आगे ले आओ क्या हो जाएगा 3, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखना यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल गया है, कितनी बड़ी इक्वेशन है और बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। देखो रो ए जी मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला जाएगा 0 के नीचे जाने के बाद, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो अंदर इक्वेशन बचेगी वो बहुत सिंपल सी बचेगी, वो क्या बचेगी, देखो एच माइनस 3 इंटू 4FL बाय 2GD इंटू ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन मेरे पास बची इज इक्वल टू क्या है 0। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ लेके जाता हूँ, स्पेस कम है इसलिए इसमें आगे करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, ये अगर मैं चीज यहाँ देख रहा हूँ, क्या चीज़ है, देखो ये इस चीज़ को अगर आप ध्यान दें, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे आ जाता हूँ फिर से,
ये रही वी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर कर दूं, वी स्क्वेयर ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर स्मॉल ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर स्मॉल वी स्क्वेयर बाय कैपिटल ए स्क्वेयर, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल वी स्क्वेयर। बस मुझे यही वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरा एच माइनस थ्री फोर एफ एल सॉरी कैपिटल वी स्क्वेयर बाय टू जी डी इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब देखो कितनी बड़ी इक्वेशन थी, धीरे धीरे सोल्व होती जा रही है। अब देखो एच माइनस थ्री फोर एफ एल वी स्क्वेयर बाय टू जी डी, अगर ये आपको ध्यान हो, ये क्या है, ये है हेयर लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द लॉन्ग पाइप। इसको क्या पुट कर सकता हूँ मैं, एच एफ कर दीजिए, एच माइनस थ्री स्मॉल एच एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। देखा कितनी बड़ी इक्वेशन थी, कितना स्मॉल इसमें चेंज आ गया। अब देखो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे निकालना है एच एफ की वैल्यू, एच एफ इज इक्वल टू एच उस साइड, ये इस साइड आ गया ये उस साइड चला गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एच बाय थ्री। ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो आप सबको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है रिजल्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है। ये क्या कह रहा है, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, जिस भी पाइप में वो टोटल हेड जितना स्टार्टिंग पे पड़ा स्टार्टिंग पे अवेलेबल है उसका डिवाइडेड बाय थ्री, उसका वन बाय थ्री, अगर टोटल जो स्टार्टिंग पे हेड है अगर उसका वन बाय थ्री हेड लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो उस केस में जो पावर ट्रांसमिशन होगी वो मैक्सिमम होगी। लेट अस एज्यूम स्टार्टिंग में हमारे पास जो हेड है वो 90 है, कितना है स्टूडेंट्स 90, और एच एफ जो हमने निकाला हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये स्टार्टिंग में हेड है, और जो एच एफ हमने निकाला वो हमारा आ गया 30। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये इसका क्या है 30 है, एच एफ को बाय थ्री करके यही वाला इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। ये कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कस की स्टूडेंट्स, इसको बैक करके देख लेना वीडियो को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पेज नंबर आ जाता है वो आ जाता है 10, और हमारे पास पेज नंबर क्या है स्टूडेंट्स 10, और हमारे पास जो टॉपिक है वो है डायमीटर ऑफ नोजल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू द नोजल। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ नोजल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो डाया है वो नोजल का क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी हम जो पीछे हमने जितना किया है उसी का यूज करेंगे और सिर्फ उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे और हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ देखो एच एफ हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, कंडीशन क्या होती है एच वाई थ्री, देखो यहाँ पे हमने लिखा है डायमीटर ऑफ द नोजल, किस केस में, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगी, तो मैक्सिमम पावर जब ट्रांसमिशन होगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, एच एफ इजिकल टू एच बाई थ्री। लेकिन हमें पता है कि एच एफ क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर एफ एल कैपिटल वी स्क्वेयर बाय टू जी डी। ठीक है, और दूसरी चीज ये एच एफ हो गया इजिकल टू क्या हो गया, एच बाय थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से मैं अगर एच की वैल्यू निकालूंगा तो एच क्या हो गया मेरा, थ्री टाइम्स ऑफ फोर एफ एल वी स्क्वेयर बाय टू जी टी। ठीक है, लेकिन एक और चीज भी हमें पता है, वो क्या पता है, एच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय टू जी प्लस एच एफ। आपको अगर याद हो तो पीछे एक इक्वेशन हमने की थी जहां से हमने स्टार्टिंग किया था, एच टोटल हेड जो स्टार्टिंग में है, जो हेड नोजल के एंड पे मिलेगा, और जो हेड लॉस हो गया है, इससे एक इक्वेशन बनी थी। अब यहाँ पे भी एच एफ की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, एक इस इक्वेशन को फर्स्ट और एक सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड के, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एच, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ फोर एफ एल वी, कैपिटल वी है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, वी स्क्वेयर बाई टू जी डी इज इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वेयर बाई टू जी प्लस, एच एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फोर एफ एल कैपिटल वी स्क्वेयर बाई टू जी डी। अब यहाँ फोर एफ एल वी स्क्वेयर है और यहाँ कितना है, ट्वेल्व, ठीक है, जब ये इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, एट, एट बच जाएगा। अब इसको कर लेते हैं एंड देन यहाँ कितना बचेगा बच्चे, एट बचेगा, क्या आ गया लिख देता हूँ, वी स्क्वेयर बाय टू जी इज इक्वल टू एट एफ एल वी स्क्वेयर बाय टू जी डी। ध्यान रहे जब भी आप इस डेरिवेशन को करो तो सारा बोल के करना, क्योंकि उससे क्या होगा, ये जो हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, जो मेजर हेड लॉस था, उसका फॉर्मूला ईजिली आपको याद रह जाएगा और वो हमेशा याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल वी भी है और कैपिटल वी भी है, लेकिन मुझे तो एक ही वी में काम करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली वी को चेंज कर दूंगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से। वो क्या कहती है, ए इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल वी, कैपिटल वी मुझे निकालना है, स्मॉल ए इंटू स्मॉल वी बाई कैपिटल ए, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मेरे पास क्या बन गया बच्चे, वी स्क्वेयर बाय टू जी इज इक्वल टू एट एफ एल बाय टू जी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना इनटू में वी की जो वैल्यू थी ए स्क्वेयर स्मॉल वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए स्क्वेयर। समझ आया यहाँ तक, समझ आ गया होगा आई थिंक। अब देखो यहाँ पे वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल, टू जी डी से टू जी डी कैंसिल, मीन्स यहाँ पे क्या बचा, वन, और यहाँ पे क्या क्या बचा वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं, वन इज इक्वल टू एट एफ एल इंटू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी इंटू ए स्क्वेयर कैपिटल ए स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, इसी को आगे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एट एफ एल बाय डी इंटू ए स्मॉल ए स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय फोर इंटू स्मॉल डी स्क्वेयर, इसका क्या है, स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, इसका एरिया क्या होगा, पाई पी तो था, पाई बाय फोर इंटू कैपिटल डी का स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर, अब यहाँ पे सॉरी पाई बाय फोर, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो पाई बाय फोर से पाई बाय फोर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट बचा है उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ से भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेगा, एट एफ एल बाय डी इंटू, ऊपर क्या बन गया, डी की पावर फोर, नीचे क्या बन गया, कैपिटल डी की पावर फोर, यहाँ बाहर भी स्क्वेयर था अंदर भी स्क्वेयर था। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास बन गया वन इज इक्वल टू एट एफ एल डी की पावर फाइव इंटू स्मॉल डी की पावर फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे स्मॉल डी निकालना होता है यहाँ से, डायमीटर ऑफ द नोजल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन था और डायमीटर ऑफ नोजल कौन सा है, स्मॉल डी। अब यहाँ से जब डी की फोर जब मैं निकालूंगा, डी की फोर इस साइड रखा बाकी सब उस साइड लेगा, क्या बन गया, डी की पावर फाइव डिवाइडेड बाई एट एफ एल, एट एफ एल बन गया, लेकिन मुझे तो सिर्फ डी चाहिए, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू डी की पावर फाइव बाय एट एफ एल वन बाय फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास फाइनली क्या निकल के आ गया, डायमीटर ऑफ द नोजल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए, डी जो डायमीटर ऑफ द पाइप है उसकी पावर फाइव डिवाइडेड बाय एट टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू लेंथ ऑफ द पाइप और उस कंप्लीट की पावर कितनी होनी चाहिए, वन बाय फोर। यहाँ से जो डायमीटर निकल के आएगा वो आपका नोजल का डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए। इस तरीके से हमारे टोटल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था चारों टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं किसके, नोजल के। अब इसके बाद हमारे पास जो पेज नंबर आ गया वो तो आ गया 11, कौन सा पेज आ गया स्टूडेंट्स, 11th, और इसके ऊपर जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या आ गया, टॉपिक आ गया इसके ऊपर हमारा
वाटर हैमर। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स? वाटर हैमर। इस वाटर हैमर टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि बुक के अंदर शायद ये इतना नहीं दे रखा है, हो सकता है किसी बुक के अंदर मिल भी जाए, बट जो बुक मैंने देखी उसके अंदर कंप्लीट नहीं था। वाटर हैमर, ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में या 2 नंबर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली, या ये कहें कि एग्जामिनर का अगर इस पे ध्यान गया पेपर सेट करते टाइम, तो डेफिनेटली 100% इस टॉपिक को देता है अगर उसके दिमाग में आया। तो बेसिकली वाटर हैमर होता क्या है? वाटर हैमर क्या है? एक फिनोमिना है, एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ। द फिनोमिना ऑफ सडन राइज इन प्रेशर, प्रेशर इन द पाइप इज नोन एज वाटर हैमर। WH लिखेंगे इसको, ध्यान रखना, इज नोन एज वाटर हैमर। अब इसके अंदर जो समझने वाली चीज है बच्चे, वो क्या है? बिल्कुल सिंपल सा एक कंसेप्ट है। वो क्या? कोई भी अगर आपके पास एक पाइप है, आप सबने घर में भी देखा होगा, एक लॉन्ग पाइप है, इसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, किसी प्रेशर से भी ये फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा था, सारी कंडीशंस ठीक चल रही थी, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वाल लगा दी, और उस वाल ने क्या किया, इसको यहाँ पे रोक दिया। जैसे इसको रोका, जो पार्टिकल यहाँ पे आ रहे थे, जिसके अंदर जो वेलोसिटी थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सारी की सारी प्रेशर एनर्जी में। वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रेशर एनर्जी में। और प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब जो ये हाई प्रेशर होगा, इसी को बोला जाता है वाटर हैमर, क्योंकि आप देखें द फिनोमेना ऑफ सडन राइजिंग प्रेशर, एकदम से जो प्रेशर राइज होगा उसकी वजह, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? वाटर हैमर। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा और सीख लेते हैं, वो क्या है। अब जो वाटर हैमर है, ये क्या होता है? प्रेशर का राइज होना ही होता है, उससे अलग कुछ नहीं होता, उसी को एक नाम दे दिया वाटर हैमर। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर राइज हो रहा है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा जो ये वाल है वो किस स्पीड से बंद हो रही है। दूसरा, ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी वी है, स्मॉल वी नहीं है, ये फिर से वही है, पाइप के अंदर हमेशा हम कैपिटल वी लेके चलेंगे, जिसकी वेलोसिटी क्या है? कैपिटल वी है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है पाइप का? ए है। इसकी लेंथ क्या है? एल। इन सब के ऊपर जो प्रेशर राइज है वो डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, इसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो बुक में नहीं दे रखा है, जो बुक मेरे पास है, बट हो सकता है आपके पास हो या ना हो, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे बच्चे, मास ऑफ वाटर इन पाइप। पाइप के अंदर जो वाटर है उसका मास कितना होगा? देखो W क्या है? स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इस स्पेसिफिक वेट को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम में क्या आएगा? एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय जी। मेरे पास मास आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ध्यान रखना, जो एल है, लेंथ है ऑफ द पाइप, ठीक है, ए है एरिया ऑफ द पाइप, ठीक है स्टूडेंट्स, और टी क्या है? टाइम है जिसके अंदर वाटर जो है रेस्ट में आ जाता है, वाटर रेस्ट में आ जाता है, वो टाइम है। कैपिटल वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप। पाइप के अंदर जो वेलोसिटी है वो वी है। टाइम कौन सा है? ये टाइम ध्यान रखें, टाइम वो टाइम है जब वाटर इसे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, वो टाइम कौन सा है? टी। ए क्या है? एरिया इसी पाइप का। एल क्या है? इस पाइप की लेंथ। और वी क्या है? इसके अंदर जो वेलोसिटी है फ्लो की वो, ठीक है। तो इस तरीके से मास हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करते हैं? रेट ऑफ रिटार्डेशन। क्या स्टूडेंट्स? रेट ऑफ रिटार्डेशन, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, डी एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का इंक्रीज करना, डीएक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिक्रीज करना। रेट ऑफ रिटार्डेशन, रेट ऑफ रिटार्डेशन जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ रिटार्डेशन एक्चुअली में होता क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब रेट ऑफ रिटार्डेशन कैलकुलेट किसका कर रहे हैं, उस फ्लूड का, उस लिक्विड का जो इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या थी, कैपिटल वी। नाउ अब टाइम कौन सा होना चाहिए, टाइम वो टाइम होना चाहिए जिस टाइम में उसकी वेलोसिटी वी से कितनी आ गई, जीरो, तभी तो हमारा रेट ऑफ रिटार्डेशन निकलेगा। तो वो टाइम है क्या, टी। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, रिटार्डेशन मीन्स डी एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, मास हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें, लास्ट बिल्कुल छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, मास की वैल्यू क्या आई थी, डब्ल्यू ए इंटू एल बाय जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, वी बाय टी, वी बाय टी। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया बच्चे, वो फॉर्मूला क्या बना है, डब्ल्यू ए एल वी बाय जी इंटू टी, ये फोर्स बन गई। लेकिन हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया क्या है, स्मॉल ए, डब्ल्यू ए एल वी बाय जी इंटू टी इंटू एरिया, एरिया से एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसल, डब्ल्यू इंटू एल इंटू वी बाय जी इंटू टी। ये आपके पास क्या निकल गया, गया प्रेशर निकल गया, गया बच्चे क्या, जो वाटर हैमर की वजह से जो एक प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर कितना होगा, वो होगा वेट, स्पेसिफिक वेट इनटू लेंथ ऑफ द पाइप इनटू वेलोसिटी ऑफ द पाइप इनटू जी इनटू टी, जितने टाइम में वो जीरो उसकी वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर हेड निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रेशर हेड, प्रेशर है, अब सबको पता है प्रेशर हेड को एच से डिनोट करते हैं, वो प्रेशर क्या होता है, बाय डब्ल्यू पी बाय रो जी होता है, जो डब्ल्यू हो जाता है स्पेसिफिक वेट, पी बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हमारे पास आ चुका है बाय स्पेसिफिक वेट से जब उसको डिवाइड करेंगे, जी इंटू टी मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, एल इंटू वी बाय जी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा निकल गया बच्चे प्रेशर है, और ये मेरा निकल गया है प्रेशर किसकी वजह से, वाटर हैमर की वजह से। सो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था लाइफ एक ही है, जितना हो सके एंजॉय करो और जो भी करें उसमें 100% दें। तो इस तरीके से हमारी जो यूनिट है फ्लो थ्रू द पाइप, वो यूनिट कंप्लीट हो जा रही है। इसको कंप्लीट करें और अच्छे से रिवाइज करें, टोटल 3 वीडियोज़ में ये यूनिट कंप्लीट हुई है। सो थैंक यू एवरीवन।